मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारतीय प्रक्रिया के तहत ईडी मालदीव्स में वांटेड अपराधियों को अब समन भेज सकता है जिनका भारत में किए गए अपराध से संबंध होगा। समन या जांच के लिए वारंट सक्षम कोर्ट के माध्यम से भेज सकती है। हालांकि ये प्रक्रिया गृह मंत्रालय के जरिए ही आगे बढ़ाई जाएगी। भारत और मालदीव्स के बीच हुई संधि के तहत हुआ है। इस एमलेट के तहत अधिसूचित करने की जानकारी मालदीव्स को दी गई है और ये जानकारी गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और जिला अदालत से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को दी है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय ने उन नियमों का उल्लेख किया है जिनके तहत भारतीय पुलिस या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी मालदीव्स में किसी भी आरोपी को भारतीय अदालतों के माध्यम से समन या तलाशी वारंट भेजा जा सकता है। गृह मंत्रालय की माने तो मालदीव्स गणराज्य में अपराधियों को समन भेजने या आपराधिक मामलों के संबंध में वारंट जारी हो सकता है और सर्च वारंट की व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी। समन की प्रक्रिया गृह मंत्रालय के माध्यम से कराई जाएगी। नियमों में ये भी कहा गया है कि इसी तरह मालदीव्स की अदालत से प्राप्त समन वारंट दस्तावेज या अन्य दस्तावेज भी MHA को भेज दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारत और मालदीव्स ने पहली बार 3 सितंबर 2019 को आपराधिक मामलों के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने 42 अन्य देशों के साथ इस तरह की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। वहां भारत, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि इसी यात्रा के दौरान इस पर काम और भी ज्यादा तेज हुआ है और भारत और मालदीव्स ने कानूनी सहायता संधि को लागू करने की जरूरत पर बल दिया था और उसी का नतीजा दिख रहा है।